अच्छा अगर कुत्तन काटना हो काटना आवे तो भूगला ना जा सला आगे की बोल पागल कुत्ते से आई हूं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जस्ट अभी मैं उठ रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सब लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें। जो भी चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ मुँह धो के आता हूँ, उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो मैंने अभी तो आप लोगों को बताया नहीं है। तो सबसे पहले मैं हाथ में धो के आता हूँ। तो दोस्तों मैं हाथ में धो के आ चुका हूँ और तैयार हो चुका हूँ, मतलब तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं कह रहा था। सबसे पहले तो एक मैंने लिया है माइक, जो बोया माइक है, ठीक है। तो ये माइक ले रखा है मैंने, आप लोगों को दिखाता हूँ। एक पिन है, ये पिन तो है लैपटॉप में फिट करने के लिए। लैपटॉप में भी हम इस माइक को लगा सकते हैं। वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने सिस्टम अपना निकाला नहीं है, सिस्टम मैंने अंदर ही रखा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये लगेगा हमारा लैपटॉप पे, और लैपटॉप पे लगने के बाद जो हमारा ये पिन है, ये पिन इसमें लग जाएगा। तो हम इस जो हमारा ये माइक है, ये है माइक मेरा, ये देखो ये माइक है मेरा। अगर इसको हम लैपटॉप में लगाएंगे, यहाँ से हम बोलेंगे तो लैपटॉप में इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस पिन का काम मैंने बता दिया। अब रहा मेरा ये माइक, अब मैं इस माइक को भी यूज़ करके दिखा दूँगा आप लोगों को। जो ये चीज़ है, ये कॉलर माइक है, इसको हम यहाँ यहाँ फिट कर देंगे। और अब इसको हम फोन पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि जैसे लीड लगाते हैं वैसे लगाना होता है, वो हो गया। तो ये रहा मेरा फ़ोन, और अब इस फ़ोन में मैं इसको डाल देता हूँ। तो अब मेरा, यानी कि मेरा जो ये माइक है, ये माइक फिट हो चुका है फ़ोन से। तो अब मैं इसमें जो भी आवाज़ रिकॉर्डिंग करूँगा या फिर कोई वीडियो चला रहा हूँ, वीडियो में कहीं कुछ बोलना है तो मैं उधर पे रोक के इससे बोल भी सकता हूँ। और माइक से ज़्यादा भीड़ पे मेरी आवाज़ ज़्यादा आएगी वीडियो पे, इसलिए मैंने एक माइक ले रखा है। सबसे पहले मैंने एक माइक ले रखा था जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये पूरा मेरा माइक है, और इसकी डोरी भी काफ़ी लंबी है, ताकि मतलब कहीं पे भी जाऊँ या फिर मुझे हाथ पे वीडियो बनाते वक्त हाथ जो मैं फेरता हूँ तो उसके लिए कम ना पड़े, इसलिए डोरी भी काफ़ी लंबी है इसकी। तो अब एक चीज़ और लाया हूँ, ये माइक कम से कम आपको 500-600 रुपये का पड़ रखा है मेरे को, 500 के आसपास का ही है। तो दूसरी चीज़ एक और है, और शायद आप लोगों को आजकल वीडियो में कुछ फ़र्क दिख भी रहा होगा, जो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती थी वो भी शायद आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और सेकंड बात, और जो मेरी क्वालिटी कम आ रही थी वीडियो में, शायद वो भी अच्छी आ रही होगी अब क्वालिटी। तो हाँ, अगर क्वालिटी से एक बात याद आया, अगर वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ, यहाँ से अपलोड करने के बाद आपके पास जो नोटिफिकेशन आती है, तो वीडियो स्टार्ट करते हो तो कम क्वालिटी में आप लोगों को दिखाई देती होगी, इसलिए आप अपने फ़ोन से उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तो अगर अपनी क्वालिटी अगर आप बढ़ाओगे तो वीडियो अच्छे से दिखेगी, झलमल करते हुए नहीं दिखेगी। ये ध्यान ज़रूर रखें इस चीज़ को। तो अब दूसरी चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो मैंने अपना माइक इस फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को मैं वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं लाया हुआ हूँ। सेकंड चीज़ जो है, फर्स्ट चीज़ मेरी माइक, और दूसरा आप जो भी है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहें। वो सेकंड चीज़ है ये, मैंने एक नया फ़ोन ले रखा है, जिस फ़ोन का नाम है ओप्पो F21 Pro, ठीक है। ये आजकल नया ही लॉन्च हो रखा है ये वाला फ़ोन, तो ये वाला फ़ोन मैंने लिया है और दा से बोल रखा था, दाला आया हुआ है मेरा। तो ये है आपका ओप्पो F21 Pro। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ,
ये उसका डिब्बा है फ़ोन का, फ़ोन भी दिखाऊंगा। तो उसका सबसे पहले आप लोगों को चार्जर दिखाता हूँ। यह इसका चार्जर जो आधे घंटे में चार्ज कर दे रहा है फ़ोन को फुल 100%। चाहे आप जो मेरा फ़ोन है ओप्पो F21 Pro, वो फ़ोन दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा इसका डिब्बा और फ़ोन भी दिखाता हूँ आप लोगों को, बस आप वीडियो पे बने रहें। इसमें से मैंने सब कुछ निकाल दिया था, ये डिब्बा केवल खाली कर दिया है मैंने, और इसमें बस कुछ नहीं है। इसके होंगे तो कागज़ होंगे, ये रहे इसके कागज़ हैं, और माइके का सामान मैंने निकाल लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन, ओप्पो F21 Pro जो फ़ोन था वो है फ़ोन, ये दिखाता हूँ आप लोगों को। ये रहा ओप्पो F21 Pro है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें दो कैमरे हैं, जो नीचे वाला कैमरा है इसके बाहर में जो है बाहर में एकदम से बना हुआ है। इसमें ना जब चार्ज करेंगे तो इसकी जो बाहर की वो है उसमें लाइट जलेगी, और दूसरी बात तब फिर जलेगी लाइट इसकी जब रात में हम लोग या फिर मैंने खाली फ़ोन रखा हो या फिर कहीं को जा रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो इसमें लाइट जलेगी नीचे वाले इसमें, और चार्ज लगाने में भी लाइट जलेगी, वो इसलिए है। और अब रही दूसरी बात इसकी, क्योंकि ये नीचे वाला कैमरा ना नाइट में भी हम लोग अगर वीडियो बनाएं या फिर फ़ोटो खींचें तो उसके लिए भी है, क्योंकि इसकी बाहर की जो ये रिंगें हैं वो जलेंगी तो उससे नाइट में भी वीडियो या फ़ोटोशूट कर सकते हैं। जैसे कि CCTV कैमरे पे होते हैं बाहर रात को जिनमें लाइटें जलती है तो रात का भी कैप्चर कर लेते हैं, वही सेम इसमें भी है। तो मैंने ये फ़ोन ले रखा है ओप्पो F21 Pro जो फ़ोन ले रखा है, इसी से मेरी अच्छी क्वालिटी भी आ रही होगी और जो मेरा साउंड है वो भी अच्छा आ रहा होगा। कुछ पिछले कुछ दिनों से जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इसी फ़ोन से करता हूँ, बस आप लोगों को बताना भूल गया था और टाइम ही नहीं लगा इतना कि मैं आप लोगों को फ़ोन की वीडियो बना के भेजूँ जो मैंने फ़ोन ले रखा है, माइक ले रखा है। तो क्योंकि काफ़ी बिजी हो रखे हैं गाँव गाँव में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं ना उसके उससे, तो आज मेरे को मौका मिला तो मैंने आप सब लोगों को दिखाया जो है ओप्पो F21 में फ़ोन लेके आया हूँ वो मैंने आज आप सब लोगों को दिखाया। तो ये रहा मेरा फ़ोन। हेलो दगड़ियो, कैसे रहा आन लेके ददल ब्लॉग बनाए राहुल। अब मिला आग हूँ इतना संग वाले थे चाह पीनो वो बाद हम मल्ली का ब्लॉग बुन जनो मल्ली आप अगका देखो तू बाबू सुना लब लब कर दे जालो चाह पी लेना पेन में फिर जनो। हाँ दादा आप चाह पीन पड़ गए इसी से हम तो चाह पीना ना तो दा चाह पी हल तो ये बात जना फिर ब्लॉग उन्होंने। तो दोस्तों हम लोग चले गए हैं मंदिर को, इवनिंग टाइम हम लोग मंदिर पे इंजॉय करते हैं थोड़ी देर टाइम पास। पानी भी खुल रखा है वहाँ पे, पानी भी बंद कर देंगे। एक भाई और आ रहा है। हम लोग पहुँच गए मंदिर में, सबसे पहले इंजॉय करने से पहले हम लोग यहाँ पे पानी जो खुल रखा है लीकेज हो रहा है तो उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, शायद आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा। हाँ ये देखो इतना पानी वेस्ट जा रहा है, तो अगर हम ये पानी बचाएंगे तो कहीं काम आएगा। भाई हमारे पानी बंद कर रहे हैं ये। तो दोस्तों इस मंदिर से आप सब लोगों को मैं दिखाता हूँ अपने यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, और सामने पे बड़ा सा पहाड़ है और पूरा चीड़ का जंगल है। दूसरा भाई भी आ चुका है, और ये मंदिर तो आप लोगों को मैंने शायद कुछ ही दिन पहले भी दिखाया था, निरंकारी मंदिर है। और भाई अपने स्टाइल में उतर रहे हैं और MR वाज हैं ये। हेलो दोस्तों, सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए तैयार हो तो रुको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारे घर के ठीक सामने पे बड़ा सा पहाड़ और चीड़ का जंगल है पूरा।
और ये रहे नीचे हमारे घर। आ दियो भाई प्यार भर बोल लो कब तक कुत्ते ना ती लड़ मर पड़नो न दादा मैं रुक गया क्या ना हो ज्यादा इंपोर्टेंट खड़ गए भाई तू जो तेरे में हमेशा रुक रहो न भाई 24 बंदा मजाक कर छ तू मजाक वाली बात की बता ये मैं बैठ के बात करना थी निकला हो दादा मैं रुके ना भाई की बात है अब घर आ गए। अरे की बात तू यार बहु है उतला हुए तेन रुके भी कुछ है कुत्ते ख्याल पड़ गयो। अच्छा अगर कुत्ते काटना वाटना तो भूगल ना चाह सला अगर कुत्ते से गई हो अरे काट पड़ गयो कुत्ते काटना वाटना देखिए अरे बोल बेटा उतला हेलो दाद नमस्कार भाई नमस्कार। अच्छा उन्हें जमीन ले रखी है मकान में ना जमीन ले रहा ओ आ जा राखी देखना ना ते कांगड़ा आदि छे से हैं कांगड़ा चले छ जिले वो तुम आदि रहे अरे नमस्कार दा नमस्कार कांगड़ा चले सन कला कौन ले राखी जमीन है जमीन का मल्ली ले रहा हूं मार्केट में मार्केट में अच्छा चलो देखियो ना पे जसला छे जमीन है नौनाली छे नौनाली बहुत है हां जी कठिन पड़ती जमीन हमीन काई ना पड़ी 10 12 लाख में पड़ती अच्छा या अरे दा हां दा अच्छा जमीन आ जो माठा देखनो बोल ने जमीन है जमीन यो छियो मेरी यो बता बेटा हां दा ये देख रहे हैं किरा ने भाई इतनी जमीन छे बस भाई नौनाली छियो बस बात करने तू क्या लुट दिया भाई ना भाई हाथ धोरी बहुत धोई देखने इतनी बेटे इतनी में रहती नहीं हो लेबर लगो ने चार इतनी इतनी जमीन में तो कसी रोल है रेलून भाई घूंची बेरा से रेलून इतनी में तो ने अबे माटो ये में माटो ना होने झाड़े झाड़ जिए गड़ में कहां देखो माटो की परसे माटवाल गड़ लेने ने यही देखा ले ले परसो सो हगरा करू बोल ये माटवाल गड़ लेने तब मार देखी नहीं मैं छे लूठियाल से मतलब सलाह है अरे ना भाई छे माटो छे ओहो तेरा कंफ्यूजन नहीं है मार तो बहुत तत्तीले देखा ले लेते ना मार तो ठीक ठाक छे कलरफुल छे माट ले ओ हां कथिन पड़ छी पे उई कनु 10 बार लाख ने इतनी जमीन 10 बार तू खरीद तेरा देखा दाई दे ना भाई हमरे औकात कहां रही थी वे कनु तुम हाथा आदमी आने तुम नौकरी ला ठुलठाल बे तुमरी एक नो बिजनेस मैन है दी स्कॉर्पियो ले रहे भाई स्कॉर्पियो आ पैदल आ रहा है तुम से ना ना तसी गया रिसे गाड़ी जानो दिस स्टार्ट कर दी कल से अच्छा तुमरी यहां रोटे ढंग ना रहे हो भाई ओके दा हां अरे जो जमीन ले रहा ने मैं ले जमीन ने उमे कसर एक ईट का सीमेंट लाग लो बाद में थोड़ा एवरेज दे देना कसर ना वो मैं आवे ईट तेरी सवा चार ईट आ जाली ने सवा चार ईट एक ऐसी आ जाते बन जाल बढ़िया मकान बन लो कम से कम दो तीन शर्ट निकल जा लूँ मैं किराए में लगूँ ना सो रहा ना मैं अरे तुम तो उसी के लिए नाने पर किराया कहाँ लगा ला था बस दो कट्टे सीमेंटा मंगा लिया दो रेता और गिट्टी हमरे उन दादे सन नहीं है मल्ली उन्होंने मिस्त्री लेबर में तो एक दो एक किशोर बुला देना तीन मैं ना कर दी भाई लेबर ही लेबर ही क्या भाई कस ना भाई लेबर को कर ले यार भाई साल भर स्टेशन रह रहूं तो फिर तक बात कर ले यार भाई छे हां भाई मैं हिसाब रख दे ना हिसाब डायरी दी दे हिसाब पर रख रखनु थोड़ा बहुत जिला होल सुनुन तिलाले लगाई दियुन की बोल लेबर फिर दियुन तो भाई मैं अब मिलना पे बोला आ देर हुन ने हां हां समझ आ रहा टाइम ने अब कलाकी तो दोस्तों आज की कॉमेडी में काफ़ी मज़ा आया। भाई ने ज़मीन ले रखी थी भाई की ज़मीन देखने के और काफ़ी मज़े आए उसमें। हम लोगों ने ज़मीन भी देखी क्या क्या मटेरियल लगेगा वो भी देखा कितना लगेगा सब उसका मतलब हिसाब रख दिया है भाई ने। और बस किसी दिन में भाई अपने मकान की सेटिंग करेगा तो
आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो भाई ये मैंने ज़मीन ले रखी है मकान के लिए, तो आज की वीडियो बहुत ही मस्त होनी है। वीडियो को लास्ट देखो और लाइक शेयर करो वीडियो को अधिक से अधिक। तो दोस्तों भाई ने ज़मीन ले ली है, अब जो घर बनाएगा हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बल्द वाला जो घंटी होता है वो जरूर बजा दीजिएगा, चाहे उससे खिलौने खेलो जो करते हो उसे तोड़ दो हमारी तरफ से, उसे दबा दो एक बार। बाय।